नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परेश जैन। आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल परेश जैन में स्वागत है। दोस्तों, बैकग्राउंड को देख के आप समझ चुके होंगे कि इस वक्त मैं मुंबई में नहीं हूँ, मुंबई से बाहर किसी जगह पे घूमने के लिए गया हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हो, मैं मुंबई में नहीं हूँ और मैं ट्रैवल करके आया हूँ राजस्थान में, अपने नेटिव प्लेस भंदर में, जो कि नाना स्टेशन से करीब 8 किलोमीटर दूर है। और करीब करीब 2 साल बाद में मैं आज यहाँ पर आया हूँ। और आने की खास वजह कि मुझे सर्दियों में राजस्थान से अच्छी जगह और कोई लगती नहीं। पिछली बार सर्दियों में मैं आया था उदयपुर और माउंट आबू घूमने के लिए अपने बच्चों के साथ में, और उसका भी मैंने वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला था। तो इस बार जो है मैं अपने नेटिव प्लेस पे आया हूँ। आने की खास वजह एक और भी है, क्योंकि मेरी बड़ी डॉटर जो रायना है, इस नए घर को जो हमने 5 साल पहले बनाया था, उसने इसे देखा भी नहीं था। तो मैंने इसे कहा था कि इस बार जाएंगे और पूरा घर तुझे दिखाऊंगा और यहाँ पे 5 दिन के लिए हम स्टे करेंगे और साथ ही भंदर गाँव को ही एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर नदी है, खेत है, मंदिर है हमारा, तो पूजा करेंगे, सब कुछ। इस गांव के बारे में मैं जो कुछ भी करने वाला हूँ, डेली का एक व्लॉग बनाऊंगा और उसे अपलोड करूंगा। तो दोस्तों, दिन की शुरुआत जो है मैं सबसे पहले करूंगा पूजा से। तो अब सबसे पहले जाके मैं पूजा करने के लिए जाऊंगा और आपको मैं मंदिर में साथ में लेके जाऊंगा और चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जी से मुलाकात कराऊंगा। और उसके बाद जो है मैं आपको इस पूरे घर का एक वीडियो निकाल के डालूंगा, आपको बताऊंगा कि ये घर कैसा बना है। और इस घर से जुड़ी कुछ पुरानी यादें भी है पुराने घर के साथ में, तो पुराने घर के जो फ़ोटो थे वो भी मैं इस वीडियो में साथ में डालूंगा, ताकि आपको पता चलेगा कि पुराना घर कैसा था और ये नया घर कैसा है। तो दोस्तों चलते हैं। तो इस वक्त मैं मंदिर के पास एक नई जो धर्मशाला बन रही है वहाँ पे आया हूँ, और सोचा मैंने कि इस धर्मशाला को मैंने भी बनते हुए देखा नहीं है। तो आज पिताजी और जिस मिस्त्री ने इस धर्मशाला को बनाया है, मोती भाई ने, उनके साथ चल के पूरे इस धर्मशाला का मैंने मुआयना किया है मैंने, और समझा है कि क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ बनने वाली है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से मोती भाई ने और पापा ने और ट्रस्ट भंदर जैन, समस्त भंदर जैन संघ के ट्रस्टियों ने मिलकर इसे बहुत ही मेहनत से बनाया है। तो मैं आपको इसका एक वर्चुअल टूर कराता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ बनने वाली है, तो आपको मैं इसे रूबरू कराता हूँ। टूर पे टोटल 4 रूम बनाए हैं, मैं 4 रूम दिखाता हूँ। एक ही जैसे दिखने वाले ये 4 रूम हैं। दूसरे माले पे 4 रूम्स हैं और फर्स्ट फ्लोर के अंदर 6 रूम हैं, और मैं यहाँ से नीचे लेके चलता हूँ आपको फर्स्ट फ्लोर पे। अब हम सेकंड फ्लोर पे थे, अब हम पहले माले पे जा रहे हैं। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, टोटल फर्स्ट फ्लोर पे 6 रूम। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो है, बहुत ही बड़ा एक ये हॉल बनाया है, जिस हॉल के अंदर कभी महाराज साहब जी आते हैं या कोई धार्मिक कार्यक्रम हो तो यहाँ पे करीब करीब 200 लोग बैठ के उस कार्यक्रम को एंजॉय कर सकते हैं, उस कार्यक्रम का मज़ा ले सकते हैं। तो ये हॉल आपको दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा खूबसूरत हॉल बनाया है यहाँ पे। और यहाँ पे 2 रूम हैं, आप देख सकते हो, एक ये लेफ्ट वाला और एक ये राइट वाला, वो महाराज साहब जी के रुकने के लिए, साध्वी महाराज साहब और साधु जी महाराज साहब जी के रुकने के लिए ये 2 रूम्स हैं। इस पूरी जगह को बनाने में करीब करीब 2.5 वर्ष लग चुके हैं, काम शुरू होने के इसे 2.5 साल हो चुके हैं। और अभी भी जैसे मैंने मोती भाई से पूछा कि और कितना वक्त लगेगा, तो
डेढ़ से दो महीने के अंदर ये पूरी धर्मशाला जो है बन जाएगी। पुरानी धर्मशाला का पूरा चेहरा आ जाओ, जो पिक्चर्स थे जो मैंने तो वो भी देखी हुई, और यहाँ मैं पूरा बचपन गया हुआ है, सारे उसके विजुअल्स इस वक्त मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं, और बहुत ही लगाव था हमें उससे। लेकिन बदलाव ही संसार का नियम है, तो हर चीज़ बदलती रहती है। तो वो धर्मशाला टूट के अब ये पूरी नई मॉडर्न धर्मशाला बनी है। अक्सर पिताजी यहाँ पे आते रहते हैं इसको देखने के लिए, इसके काम को देखने के लिए। तो हृदय से मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा भंजर जैन संघ के तमाम मंदिर के ट्रस्टियों को, जो बहुत ही कड़ी मेहनत से इसे बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को मेरे दिल से। जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे आया है, और यहाँ पे बहुत बड़ी भोजनशाला बनाई हुई है, जहाँ पे करीब 150-200 लोग बैठ के खाना खा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे सामने विशाल भोजनशाला का निर्माण किया है, तो कैमरा रोटेट करके आपको ये भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से, कितनी खूबसूरती से ये बन रही है। देखिए, ये पूरा इतना बड़ा हॉल है जहाँ पे पूरे सिटिंग का अरेंजमेंट होने वाला है। और यहाँ से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ सीधा जो मेरे ठीक सामने है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा किचन बन रहा है, ओपन किचन, जहाँ से फूड जो है सर्व किया जाएगा यहाँ तमाम बैठे लोगों को। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख के इसे बनाया गया है। पुरानी धर्मशाला में काफ़ी सुख सुविधाएं नहीं थी, बहुत पुरानी हो चुकी थी, तो इसका डिज़ाइन जो है आने वाले पीढ़ी को मद्देनज़र रखते हुए, भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। तो चलिए बस अब यहाँ से चलते हैं सीधे घर पे। दोस्तों, पूजा करके जस्ट मैं वापस अपने घर पे आया हूँ, और अपने बालकनी में खड़ा हूँ, जहाँ से मुझे ठीक सामने जो है मंदिर की ध्वजा दिखती है। मैं कैमरा रोटेट करके दिखाता हूँ कितना खूबसूरत नज़ारा इस वक्त मेरे बेडरूम के ठीक सामने से। ये देखिए, सामने मंदिर है जिसकी ध्वजा मैं यहाँ से देख सकता हूँ। दोस्तों, पूजा करके आज इतना अच्छा लगा कि मैं आपसे क्या कहूँ, शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकता। करीब करीब डेढ़ साल बाद मैं आज वापस अपने गांव आया हूं, और मुझे अपने गांव से और अपने गांव के इस मंदिर से, मंदिर के जो चिंतावनी पाशनाथ भगवान की प्रतिमा है, उससे बहुत 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 ज़्यादा लगाव है। मेरे पूरा बचपन इस गांव में गुजरा है, बहुत कुछ मैंने यहां से सीखा है, और सच कहूं दोस्तों तो मंदिर से इतना लगाव है मेरा कि जब कभी भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता हूँ, कुछ दूर दूर तक रास्ता नहीं दिखता मुझे, तो मैं सीधे से ट्रेन की टिकट बुक करके सीधा भंदर के लिए आ जाता हूँ, और चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की के दर्शन करता हूँ, उनकी पूजा अर्चना करता हूँ। और सच कहूँ दोस्तों, उसके बाद सारी तकलीफें अपने आप ही समाप्त हो जाती है, सारी परेशानी अपने आप ही चली सी जाती है, और दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। एक और ख़ास बात कहूँ दोस्तों, भंदर गाँव के इस चिंतावनी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के बारे में, मंदिर के बारे में, कि जैसे मुंबई में लाल बागचा राजा को मन्नत मूर्ति कहा जाता है, वैसे ही आसपास के सभी गांव के लोग जो है, और पर्सनली हमारे परिवार की भी बात करूं तो हम जब कभी भी यहां पे आके जो कुछ भी मांगते हैं आज तक, तो वो सारी इच्छाएं जो है परमात्मा ने पूरी की है, कोई ऐसी इच्छा नहीं है जो उन्होंने बाकी रखी है। और आसपास के गाँव के तमाम लोग जो है यहाँ पर आके मन्नत मांगते हैं, उसकी उनकी मन्नत पूरी होती है। तो मैं दोस्तों इतना ही कहूँगा कि जब कभी भी आप यहाँ पे आओ और आसपास से निकलो भंदर गांव के आसपास से, तो यहाँ पे एक दर्शन के लिए आप ज़रूर आइए, आपको बहुत ही सुकून मिलेगा, बहुत ही शांति मिलेगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इस घर का एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि कितना खूबसूरत ये घर मैंने बनाया है, और साथ में पुराने घर के जो फोटोग्राफ्स हैं वो भी मैं साइड में डालूंगा, ताकि आप देख पाएंगे कि पुराना घर जो था वो कैसा था और नया घर जो है वो कैसा है। तो ये मेरे ठीक सामने घर है, बाहर का एक व्यू दिखाता हूँ, फिर आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये देखिए, और ये जो आप सामने देख रहे हो, इस घर का जो है दूसरा गेट है, बैक साइड गेट है, जहाँ से भी इस घर में आया जा सकता है, ये दूसरा गेट है। और बाहर का नज़ारा कुछ यहाँ पे इस वक्त ऐसा है, सामने मंदिर है, मंदिर की ध्वजा यहाँ से दिखती है। ये कॉमन बाथरूम, ये फर्स्ट फ्लोर का पहला बेडरूम, मास्टर बेडरूम है ये भी, और ये यहाँ का
बाथरूम, ह्यूज बाथरूम सारे बनाए हैं। वहाँ पे एक छोटी सी बालकनी हमने प्लान की थी उस वक्त, जो कि आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत सी बालकनी है यहाँ पे। और ये जो है हमारे घर में, हमारे इस पूरी प्रॉपर्टी में आने का मेन एंट्रेंस, जहाँ से मैं खुद भी आया हूँ, मेरी कार बाहर पार्क है यहाँ पे। अब चलेंगे दूसरे बेडरूम की तरफ। ये एक बेडरूम बनाया था बच्चों के लिए, लेकिन बाद में हमने सोचा कि इतने सारे बेडरूम्स की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमने जो इस बेडरूम को स्टोर रूम में पूरा कन्वर्ट कर दिया है। सारे घर के जो सामान रहते हैं यहाँ पे पड़े हुए रहते हैं। अब जो मैं आपको इस घर का, इस बेडरूम का भी ब्यूटीफुल जो व्यू है वो मैं यहाँ से दिखाता हूँ। इसकी ये बालकनी है और यहाँ से सामने जो है मंदिर दिखता है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है इसका। यहाँ से लेके चलता हूँ आपको एक और बेडरूम में, जो कि ये वाला है। ये बेडरूम सबसे बड़ा बेडरूम है। यहाँ की इसकी ये बालकनी, तो टोटल चार बेडरूम हमने बनाए हैं। और पांचवा बेडरूम जो बच्चों के लिए बना है उसे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसे एक स्टोर रूम की तरह हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर टेरेस पे, जहाँ से पूरे बंदर का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है। तो अब चलते हैं सीधे टेरेस पे। इस वक्त दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो अभी सीधा एक लंच ब्रेक हो जाए। लंच करने के बाद मैं शाम को क्या प्लान है वो मैं आपको बताऊंगा और उसे भी शूट करूंगा। तो चलिए एक लंच ब्रेक हो जाए। कीटो डाइट के चलते यहाँ राजस्थान में कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं है मेरे खाने के लिए। वैसे बता दूँ कि कीटो डाइट में आप हाई प्रोटीन और हाई फैट्स खा सकते हो, कार्बोहाइड्रेट्स आपको ज़रा भी अलाउ नहीं होता है। तो इस वक्त लंच में जो है बहुत ही बेसिक लंच कर रहा हूँ, दो चीज़ क्यूब ले रहा हूँ और साथ में जो है कैबेज की सब्जी ले रहा हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास में। और थोड़ा सा सैलेड जो मैं लंच में लूँगा, रोटी चावल ज़रा भी नहीं। तो ये है मेरा आज का लंच है, दो चीज़ क्यूब और कैबेज की सब्जी। इस वक्त शाम के 5:30 बजे है और हम लोग जो है बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं कचौरी और समोसा खाने के लिए। और रास्ता जो है बहुत ही खूबसूरत है और पहले से बहुत ही बदल चुका है, पक्की सड़क बन चुकी है, दोनों तरफ खेत है। आप देख सकते हो मेरे पीछे और ठीक मेरे सामने भी खेत है, और गाय और भैंसे जो यहाँ से जा रही है। तो चलता हूँ आपको आगे लेके, देखते हैं वहाँ पे कचौरी और समोसा कैसे है, वो भी टेस्ट करके आपको बताऊँगा। तो दोस्तों इस वक्त घर से निकला हूँ बस स्टैंड की, और बस स्टैंड पे जाने से पहले मेरी नज़र यहाँ पे साइड पे एक दुकान पे पड़ी जिसका नाम है राजस्थान बेकरी। जब कभी भी आप बंदर आते हो या इसके आसपास किसी एरिया में आते हो, आपको यहाँ पे सारी खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी, ए से लेके जेड तक सारी चीज़ें मिलती है। और इसको संभालने वाले हैं ध्रुव, इस वक्त ध्रुव मेरे साथ में है, जो कि आपको इनकी दुकान के बारे में बताएंगे। और थोड़ा इसके इनसे मिलाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज से 4-5 साल पहले जब भी मैं कभी यहाँ पर आता था तो कोल्ड ड्रिंक मिलना भी यहाँ बहुत मुश्किल था, लेकिन आज मैं खुद हैरान हूँ यहाँ पर ये सब देख के कि कोल्ड ड्रिंक तो छोड़िए, आप किसी भी आइटम का नाम ले लीजिए खाने पीने की, यहाँ तक कि केक और पेस्ट्रीज भी यहाँ पे फ्रेश मिलती है। तो दोस्तों ध्रुव से मिलाता हूँ और ध्रुव आपको इस दुकान के बारे में बताएगा। तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव है और मैंने करीब 2 साल पहले यहाँ पे ये शॉप स्टार्ट करा था। टोटल इम्पोर्टेड आइटम, ऐसी आइटम जो कि बड़े बड़े रिसोर्ट में चलती है, गांव के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से मैंने सारा प्रोडक्ट यहाँ पे सब रखा है, एक ही छत के नीचे सब मिल जाएगा आपको, एकदम फ्रेश और एकदम किफ़ायती दाम में। थैंक यू दोस्तों। ध्रुव ने मुझे बताया कि यहाँ आसपास करीब 7 से 8 किलोमीटर के रेंज में करीब 10 से 12 रिसोर्ट्स यहाँ पे जो है बन चुके हैं। लेपर्ड सफारी कैंप है यहाँ पे पास में। बता दूँ कि आज से 2-3 साल पहले यहाँ पे एक जवाई
लेपर्ड करके एक सीरीज बनी थी डिस्कवरी में बनी थी, और उसके बाद से जो पूरा एरिया जो है बहुत ही फेमस हो गया है, जबई नाम से बहुत फेमस है। करीब करीब 250 से 300 यहाँ पे जीप है जिसमें बैठ के यहाँ पे लोग लेपर्ड सफारी के लिए आते हैं, ऐसा मुझे ध्रुव ने बताया मुझे, और उनकी बुकिंग भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन किसमें की जाती है? अनंता ग्रुप है, अपने बेड़ा कैस्टल है, थोर रिसोर्ट है, बहुत सारे जवाई नाम से बहुत सारे रिसोर्ट है, एक से एक लग्जरी रिसोर्ट यहाँ पे बन चुके हैं। तो आपसे मैं जरूर कहूंगा कि जब भी कभी आप आते हो तो स्टे कीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच। से निकल के मैं सीधा जा रहा हूँ नदी की ओर, और नदी की ओर जाके मैं उन्हें बताऊंगा कि वहाँ का खूबसूरत नज़ारा क्या है। तो चलते सीधे नदी की ओर। बंदरगाह में एक स्टेप वेल भी है जिसे बावड़ी कहा जाता है हिंदी में, हालांकि बहुत ही अस्त व्यस्त, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, लेकिन बचपन में यहाँ पर काफ़ी बार आया करता था, और यहाँ पर ये जो पीछे मेरे बैठने की जगह देख रहे हो यहाँ बैठा करता था यहाँ पर। अभी तो काफ़ी सारी झाड़ियाँ यहाँ पे उग चुकी है और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बंद पड़ी है ये। आपको एक रोटेट करके कैमरा दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से ये स्टेप से उतर के नीचे जाओगे तो वहाँ पे लास्ट में बावड़ी है। काफ़ी सारे लोग ऊपर से कूदते थे इसमें और स्विमिंग करते थे इसमें, उस टाइम पर पानी भरने के लिए भी यहाँ पर आया करते थे, लेकिन अब समय के चलते इसे मेनटेन नहीं रखा और हालत बहुत ही ख़राब है। तो बच्चों को मैं यहाँ पर दिखाने लाया हूँ कि कैसी होती है बावड़ी, इन्होंने कभी स्टेप वेल देखा नहीं, और जो राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें ही पता है कि स्टेप वेल क्या होता है। तो स्टेप वेल देखने के बाद में यहाँ पे एक पिकॉक अभी हमने देखा है, ये देखिए पिकॉक उड़ के गया ऊपर से। कितने क्यूट पपीज है इस वक्त यहाँ पे, तीनों छोटे से बच्चे हैं, और उसकी माँ जो है वो ठीक सामने जो हो प्रोटेक्ट कर रही है इन्हें, पर उसे ये यकीन हो चुका है कि मैं इन्हें कुछ हार्म नहीं करने वाला हूँ, तो इनके बच्चों को मेरे साथ खेलने दे रही है। बचपन में जब छोटे थे हम लोग तो इस रास्ते पे हम अक्सर आया करते थे। यहाँ पे कुछ पेड़ है आज भी जिसपे एक छोटा सा एक क्या कहूँ एक छोटा सा बीज जैसा फ्रूट जैसा होता है जिसे हम लोग गुदा कहते थे, ऑरेंज कलर का, और उसकी बेस्ट सीज़न है गर्मियों के सीज़न में वो उगता है। तो हम यहाँ पे झाड़ों पे पत्थर फेंक फेंक के उसे तोड़ते थे और फिर सभी बच्चे साथ में बैठ के उसे खाते थे। और यहाँ पे आम के भी बहुत सारे पेड़ है यहाँ पे, तो कच्ची कैरी खाने के लिए भी इस रास्ते पर अक्सर हम आया करते थे और पत्थर मार मार के वो कैरियों को नीचे गिराते थे और हम खाते थे। करीब 8 से 10 बच्चों का हमारा ग्रुप था। हर शाम को जब हम समर वैकेशन्स में स्कूल ख़त्म हो जाती थी तो हम गांव में आके करीब यहाँ पे 15-20 दिन या महीनों तक रहे हुए हैं यहाँ पे। गर्मियों के दिनों में यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उस एक्सट्रीम क्लाइमेट में हम रह चुके हैं। बहुत ही मज़ा आता था दोस्तों, और बहुत ही पुरानी यादें, जब भी कभी मैं इस रास्तों से फिर निकलता हूँ तो बहुत सी यादें फिर एक बार ताज़ा हो जाती है, और सारे जो बचपन की वो चित्र जो है वो मेमोरीज जो है फिर से एक बार आंखों के सामने आ जाती है, और वो देख के बहुत बहुत खुशी मिलती है। और आज ऐसा ही कुछ मैं अपने मेमोरीज जो है अपने बच्चों को देना चाहता हूँ, इसलिए बच्चों को ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे लेके आया हूँ यही सब दिखाने के लिए कि हमने क्या देखा है। हमने जो देखा आज वो हम उन्हें बता पा रहे हैं, और जब मैं इन्हें कुछ बताऊँगा यहाँ पर तो भविष्य में जाके वो भी अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को बंदरगाँव के बारे में बहुत कुछ बता पाएंगे। दोस्तों अब ये जो रास्ता है सीधा नदी की तरफ हमें लेके जा रहा है, पहले हम उस रास्ते पे गए, तब यहाँ से निकल के ये मेरे सामने जो रास्ता है वो सीधे नदी की तरफ जा रहा है। हालांकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नदी जो है पूरी सूख चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू मिलता है यहाँ से। तो कुछ पिक्चर्स क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ पे, थोड़ी देर बैठेंगे, बहुत शांति है और सिर्फ पक्षियों की आवाज़ है। अगर आपको सुनाई देता हूँ मेरे बैकग्राउंड में, आसपास से सिर्फ पक्षियों ही पक्षियों की आवाज़ आ रही है, और बहुत
शांति मिल रही है, बहुत ही अच्छा सा अनुभव है इस वक्त हमारे लिए यहाँ पे। यहाँ का खूबसूरत नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इस वक्त सनसेट होने पे है और स्काई जो है पूरा हल्का सा रेडिश और ऑरेंजिश टोन पे आ चुका है। इस वक्त ठीक मेरे सामने आपको दिखाता हूँ मैं। बस स्टैंड पे खास तौर पर हम समोसा खाने गए थे, लेकिन वहाँ पे अशोक की जो दुकान थी वो बंद थी, तो हम वहाँ से समोसा नहीं ले पाए। और रास्ते में आते हुए एक और दुकान थी जहाँ पर रमेश भाई की दुकान थी, जहाँ से हमें देखे वहाँ पे समोसे, तो हमने वहाँ से काफ़ी सारे समोसे लिए हैं। और आज का जो डिनर है मेरे फैमिली का वो है समोसे। खैर मेरे लिए तो समोसा खाना मुश्किल है, लेकिन मैं टेस्ट जरूर करूँगा और टेस्ट करके आपको बताऊँगा कि उसका स्वाद कैसा है। और मैंने मेरे डिनर के इंतज़ाम के लिए खास तौर पर लेमन कोरिएंडर सूप का इंतज़ाम किया है, और साथ ही ओट्स की खिचड़ी बनाने के लिए ओट्स लाए मैंने, और ऑल टाइम फेवरेट चीज़ तो है ही है। तो फिलहाल डिनर में मैं लेमन कोरिएंडर का सूप लूँगा और उसके बाद मैं समोसे का आपको रिव्यू भी दूँगा मैं। दोस्तों इस वक्त करीब करीब रात के 11:20 हो चुके हैं और राजस्थान में मेरा जो डे वन है वो आज समाप्त हो चुका है। कल सुबह जब मैं मुंबई से निकला था तो परसों तक मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं बेड से उठ भी नहीं पा रहा था। 6 दिन मैंने बेड रेस्ट किया, मेरे बैक में इतना पेन था तो मैं बहुत टेंशन में था, मुझे लगा कि मैं ड्राइव करके जा ही नहीं पाऊँगा। फिर मैंने भगवान से प्रार्थना की, जो यहाँ के हमारे भगवान है चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, उनसे मैंने पूजा, उनसे मैंने दुआ मांगी कि कैसे भी करके भगवान मुझे ठीक कर दो, मुझे 14 घंटे की कार ड्राइव करनी है, बस आप मुझे, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ और आपकी पूजा करना चाहता हूँ, प्लीज़ कैसे भी करके ठीक कर दो और मैं कार चला पाऊँ, इस कंडीशन में ला दो। आप विश्वास नहीं मानोगे दोस्तों, 1 दिन पहले तक मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि मैं बाइक भी नहीं चला पा रहा था, चल भी नहीं पा रहा था, बेड से उठ भी नहीं पा रहा था, सारी हालत ख़राब हो चुकी थी मेरी। और मैंने 14 घंटे की कार ड्राइव की है और कार ड्राइव करके मैं यहाँ मेरे गांव पहुँचा हूँ, और कोई कमर की तकलीफ़ अब मेरी रही नहीं, सारी जो तकलीफ़ थी वो ख़त्म हो चुकी है, कोई बैक पेन नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जैसे मुंबई में लाल बख्शा राजा को मन्नत मूर्ति कहा जाता है, वैसे ही मैं और हमारे इस बंदरगाँव के सभी लोग जो है इस चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान को मन्नत मूर्ति कहते हैं, जो भी मांगो आपको मिल जाता है। नदी पर गया था, उसका वीडियो शूट किया मैंने, आपको आपने देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन था, लेकिन वहाँ पे एक दिक्कत हो गई कि मेरी GoPro की जो बैटरी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं बहुत कुछ और जो शूट करना था मैं नहीं कर पाया। तो वहाँ भी बहुत मज़ा आया, पक्षियों की आवाज़, उनके चहचहाट के बीच नदी के आसपास गया था, वहाँ पे फोटोग्राफ्स काफ़ी क्लिक किए। और डे वन जो है मैंने आज यहीं पर ऐसे समाप्त किया है, कल की पूरी प्लानिंग मैं कर चुका हूँ, कल का भी व्लॉग बहुत ही ख़तरनाक बनने वाला है, ये व्लॉग से भी भारी व्लॉग जो है वो कल का बनने वाला है, तो अगला व्लॉग भी जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं, गुड नाइट।